आवाज बैठ जाना। नुस्खे: मुलहटी का सत्व या लकड़ी मुंह में रखकर चूसने से गला शीघ्र ही खुल जाता है। मुंह में कुलिंजन रखकर चूसने से भी स्वर खुल जाता है। छोटी इलायची, लौंग तथा मुलहठी तीनों का चूर्ण 3-3 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी से सेवन करना चाहिए। अदरक का एक टुकड़ा सेंधा नमक लगाकर धीरे धीरे चूसें। 5 पत्ते तुलसी, 2 लौंग, 4 दाने काली मिर्च तथा 1/2 चम्मच धनिया के दाने लेकर 1 कप पानी में काढ़ा बनाकर सेवन करें। अनानास के रस में जरा सा सेंधा नमक डालकर गर्म करके धीरे धीरे घूंट घूंट पिए। 10 ग्राम देसी अनार के छिलके 1 कप पानी में उबालें। जब पानी जलकर 1/2 कप रह जाए तो उसमें 2 लौंग का चूर्ण तथा 1 चुटकी पीसी हुई फिटकरी डालें। इस पानी से बार बार गरारे करें। लसोड़े की छाल को पानी में उबाल कर छान लें। इस पानी से गरारे करने से गले की आवाज खुल जाएगी। 10 ग्राम फिटकरी तवे पर भून लें, फिर इसकी 2-2 ग्राम की 5 पुड़ियां बना लें। 1-1 पुड़िया सुबह शाम गर्म पानी या दूध से लें। बेसन में नमक डालकर गले के ऊपर लेप करें। 2 काली मिर्च मुंह में डालकर धीरे धीरे चूसने से गला खुल जाएगा। बेर के पत्तों को पीसकर पानी में औटा लें, फिर इसे छानकर इसमें जरा सा नमक मिलाएं। इस पानी से कुल्ला करने पर गले के विकार दूर हो जाते हैं। तुलसी की मंजरी को पानी में औटाकर गरारे करें। गुनगुने पानी में गन्ने के रस का सिरका 1 चम्मच डालकर दिन में 4 बार गरारे करें। सेंधा नमक, 2 लौंग, 1/2 चम्मच जीरा तथा तुलसी की 4 पत्तियां सबका काढ़ा बनाकर पीने से गला खुल जाता है। 2 काली मिर्चों को पीसकर 1 चम्मच देसी घी में मिलाकर चाटने से गला खुल जाता है। 1 चम्मच गेहूं के चोकर को पानी में उबालें, फिर इसे छानकर जरा सा नमक डालकर सेवन करें। 1/2 चम्मच सौंठ तथा 1/4 चम्मच अकरकरा के चूर्ण को शहद के साथ चाटें। 1 गिलास पानी में 1/2 चम्मच चाय डालकर 10 मिनट तक पानी को खौलाएं, फिर छानकर सहते सहते गरारे करें। बरगद के हरे पत्तों का 1/2 चम्मच रस पानी में डालकर गरारे करें। 5 ग्राम मूली बीज पीसकर गर्म पानी में डालकर कुल्ला करें।